क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशिएशन. द डायग्राम शोज द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस 1 ओवर 3x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व और कर्व इज ड्रॉन इन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. दिस इक्वेशन इज ऑफ this curve and the and its maximum point is m. This is the maximum point on this curve. Find the x coordinate of m. हमने क्या करना है, इस m का, m is the point, maximum point, इसका x coordinate जो कि यहां पे आ रहा है ये find करना है. तो maximum point के लिए gradient की value क्या होती है, zero. हमने इस x को find करना है. मैक्सिमम पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है जीरो. तो सो फर्स्ट वी विल फाइंड ग्रेडियंट डी वाई ओवर डी एक्स. तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक्स प्लस वन एक और फंक्शन है, ई पावर माइनस वन ओवर थ्री एक्स इज अनदर फंक्शन. तो सो वी विल डिफ्रेंशिएट. डिफ्रेंशिएट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, प्रोडक्ट फार्मूला. प्रोडक्ट फार्मूला होता है y इज इक्वल टू यू इंटू वी. यू और वी दो फंक्शन ऑफ x हैं. तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश. डैश मीन डिफ्रेंसिएशन. देखिए यहां पे u डैश आ रहा है, इसका मतलब डी यू ओवर डी एक्स. वी डैश मीन डी वी ओवर डी एक्स. तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, तो वी विल फाइंड पहले डी वाई ओवर डी एक्स. उसको जीरो पुट करेंगे क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होती है मैक्सिमम पॉइंट के लिए. वहां से x फाइंड हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x. तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी x प्लस 1 एज सच इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x. वो हमारे पास आएगी नेगेटिव 1 ओवर 3 ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x प्लस ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x ऐसा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1. x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 ओनली. तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां इसको करेंगे सिंप्लीफाई और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0. तो सो वी विल पुट इट इज इक्वल टू 0. अब हम पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं. यहां से इसको पहले लिख लें माइनस 1 ओवर 3, अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस 1 ओवर 3 इंटू ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 0. e पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. वी कैन टेक कॉमन e पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इज कॉमन विद इन ब्रैकेट माइनस 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, दिस विल बिकम या इसको ऐसा रहने दें, अभी हम कर लेते हैं. दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट आइदर ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0. ई पावर नेगेटिव 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वी कैन नॉट टू फाइंड x. x फाइंड करने के लिए हमें log log लेना पड़ेगा, तो log 0 अनडिफाइंड होता है. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको इधर ही छोड़ देंगे हम. अब हम यहां से इसको भी 0 पुट करेंगे, यहां से x फाइंड हो जाएगा माइनस 1 ओवर 3 x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी 1 ओवर 3
इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री फ्रॉम एयर एक्स इज इक्वल टू टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है एम का, एम इज अ मैक्सिमम पॉइंट और उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमने फाइंड कर लिया दैट इज टू। तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ई। शेडेड रीजन इज क्लियर इन द डायग्राम, दिस इज द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस पार्ट ऑफ द कर्व, दिस इज द शेडेड रीजन, और यहां पे लिमिट क्या होगी, लिमिट इज अलोंग एक्स एक्सिस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट का हमें पता है दिस इज जीरो, यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो, बट ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व और यहां पे y की वैल्यू भी जीरो है क्योंकि लाइज ऑन x एक्सिस, तो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। यहां पे क्या करना है, हमने y को जीरो पुट करना है बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, तो y को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेट करना है आपने y को विद रिस्पेक्ट टू x। अब y क्या है, दिस इज योर y, ये कर्व का y क्या है, दिस इज y, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन इंटू e पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें लिमिट देखना क्या है, लिमिट तो बाद में देखते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करें, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो सो वी विल यूज हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन हम x प्लस वन को ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन इज e पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसा लिखा है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और यही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हम यहां लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए ये फार्मूला यूज होता है इन ए वेरी सिंपल वे। नो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला हियर, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स, और यही इसकी इंटीग्रेशन होगी, लेकिन हमने x का मल्टीपल क्या है, माइनस वन ओवर थ्री एक्स, तो वो उससे डिवाइड कर देंगे हम। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और यही हमने दोबारा यहां पे लिख देना है e पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स ओवर नेगेटिव वन ओवर थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव आएगा वन, तो वन से करेंगे मल्टीप्लाई। अब दोबारा हमें इसको पहले इसकी सेटिंग करते हैं, एडजस्ट करते हैं इनको, फिर दोबारा इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, इट विल बिकम ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स प्लस थ्री, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, थ्री ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में, तो दिस बिकम थ्री इंटू ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स। अब हम
इस इंटीग्रेशन अभी है, इंटीग्रेशन का साइन है, हमने ये अब एक ही फंक्शन है इंटीग्रेशन के आगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स प्लस थ्री, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स ओवर नेगेटिव वन ओवर थ्री, इसको भी एडजस्ट करेंगे, पहले माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स प्लस, यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो थ्री ऊपर चल जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस नाइन माइनस नाइन ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, लिमिट हमें देखना है कि लिमिट क्या होगी। लिमिट अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में देखें, शेडेड एरिया के लिए एक्स चेंजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पॉइंट तो जीरो है, एक्स यहाँ पे एक्स जीरो है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब आप यहाँ से फाइंड करेंगे वाई को जीरो पुट करेंगे, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ से एक्स फाइंड हो जाएगा। तो सो लिमिट फाइंड करने के लिए y को हम पुट करेंगे जीरो, y क्या है, y इज x प्लस वन इंटू ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अभी आपने आपको पता है कि e पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स को जीरो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर अनेबल टू फाइंड x, बिकॉज हमें log लेना पड़ेगा, log जीरो अनडिफाइंड होता है, तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको जीरो नहीं पुट कर सकते, तो दूसरे फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन। तो सो हमारी लिमिट क्या होगी, शेडेड रीजन के लिए माइनस एक्स माइनस वन टू जीरो, दिस पॉइंट इज माइनस वन, दिस पॉइंट इज जीरो, तो सो लिमिट विल बी हेयर, वी विल टेक लिमिट हेयर माइनस वन टू जीरो। तो अब अपर लिमिट इज जीरो, लोअर लिमिट इज माइनस वन, लिमिट सप्लाई करेंगे तो वी गेट लिमिट्स। अप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई की पावर माइनस वन ओवर थ्री एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, वी कैन टेक कॉमन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स इज कॉमन, विद इन ब्रैकेट थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस नाइन, और दिस बिकम्स माइनस ई पावर नेगेटिव वन ओवर थ्री एक्स विद इन ब्रैकेट थ्री एक्स सिंप्लीफाइंग थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, नो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एक्स पहले हम जीरो पुट करेंगे, फिर इन प्लेस ऑफ एक्स हम माइनस वन पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ई पावर जीरो इंटू ट्वेल्व, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस उस प्रोसेस में भी माइनस आता है, ये भी माइनस है, तो सो प्लस हो जाएंगे, ई पावर वन ओवर थ्री, हम माइनस वन पुट किया इन प्लेस ऑफ एक्स, ई पावर वन ओवर थ्री इंटू नाइन, तो सो ई पावर जीरो वन होता है, तो वी गेट फाइनली द आंसर इज माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन इंटू ई पावर वन ओवर थ्री, या आप इसको लिख सकते हैं नाइन ई पावर वन ओवर थ्री माइनस ट्वेल्व, दिस इज द आंसर।